अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज सुमैरा सिंपल किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है गजरेला, जिसके लिए चाहिए हमें 1 कप कद्दूकश की हुई गाजर, 1 कप सोक किए हुए चावल जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, 1 कप चीनी, 1 बादाम और पिस्ते हसब ज़रूरत मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 लीटर दूध लिया है यहाँ पर मैंने। एक सॉस पैन में आपने दूध डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। इस पे हम चावल ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे। उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके ढक कर हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। ताकि हमारे चावल और गाजर अच्छी तरीके से गल जाए। हमारे चावल और गाजर गल गए हैं और 20 मिनट भी हो गए हैं हमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढककर इतना पकाएंगे कि ये थिक फॉर्म में आ जाए और हमारी गाजर और चावल अच्छे तरीके से गल जाए। हमारी गजरेला रेडी है, अब इसको सर्व करते हैं। अब ये सर्व कर दिए मैंने और इसको डेकोरेट कर दिया है बादाम और पिस्ते से जो मैंने कट किए हुए थे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।